आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पूजा कॉलोनी इलाके में, जो लोनी के अंदर स्थित है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से आए दिन कोई ना कोई वारदात जो है हो रही है, और आज तो कई वारदातें एक साथ हुई हैं, जिसमें हमको बता दें कि आज सुबह एक जो है वारदात हुई भेटा हाजीपुर के अंदर, गोली मार दी जाती है, और फिर उसके बाद एक हिंदू समुदाय की बहन को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके खून के छींटे पड़े हुए हैं, उसके घर के अंदर घुसकर उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है। आप देखिए किस तरह से जो है इनकी जो है आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हम घर में हैं और उनकी छोटी बहन हमारे सामने मौजूद है, जो आपको बताएगी असल में क्या सारा मामला हुआ था। गुड़िया, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम कविता है। कविता, क्या हुआ था गुड़िया यहाँ पे सारा मामला? वो आप कौन हो उसकी जो लड़की को गोली लगी? मैं उनके सबसे छोटी बहन हूँ। अच्छा, क्या हुआ था बेटा? हाँ बता बेटा। वो घर में आया था, वो हम उसे जानते हैं। अच्छा। उससे बात बात की थी मम्मी ने, उसकी तबीयत वबीयत पूछी थी। हाँ। तो अच्छे से उसने कहाँ पर पड़ोस में कहीं आसपास रहता है? वो मंगल बाजार में रहता है। क्या काम करता है? क्या है, क्या करता है? इतना मुझे पता नहीं वो क्या काम करता है, क्योंकि ज्यादा बातचीत नहीं होती उससे। अच्छा अच्छा, वो पहले भी आता जाता था घर में? पहले काफी टाइम पहले आता था, पर अब नहीं आता। अच्छा, तो क्या क्या हुआ था फिर? जब क्या हुआ था बेटा? वो घर में आया था, उससे मम्मी ने बात की थी, दस मिनट ही हुए थे। उसने वॉशरूम पूछा, तो वॉशरूम से आके उसने डायरेक्ट हमें कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उसने गोली मार दी तुरंत। अच्छा, आपकी बहन के, आपकी सिस्टर के? हाँ। अच्छा, कमरे में कौन से कमरे में बंद किया था आपको? सामने वाले कमरे में हम सबको बंद कर दिया था, पापा अच्छा खाना खा रहे थे। अच्छा गुड़िया, एक मिनट जरा। अच्छा, उस टाइम आपके पापा ही मौजूद थे। देखिए कितनी कितनी हिम्मत की बात है कि उसने यहाँ पर पहले सभी परिजनों को, घर वालों को घर में बंद कर दिया, और मौके देखते के साथ ही। उस वक्त गुड़िया आपकी बहन कहाँ पर थी? कहाँ? दीदी यहाँ चाय बना रही थी। अच्छा, आपकी आपकी बहन कहाँ थी उस वक्त? यहाँ चाय बना रही थी वो। अच्छा, यहाँ पर ये किचन है आपका? यस। अच्छा, और आप बाकी लोग जो है वो सब कहाँ अंदर कमरे में थे? हाँ, अंदर थे। अच्छा, ये किस टाइम की बात है? अब से कितनी देर पहले की बात है? करीब एक डेढ़ घंटा पहले। अभी एक डेढ़ घंटे पहले जो है। अच्छा, आप भाभी जी होंगे? अच्छा, ये सबसे बड़ी बहन, ये आई भी होंगी घर पर अभी? हम अच्छा अभी हमने सुनने में ये आया है कि उसकी गुड़िया की शादी होने वाली थी बहन की आपकी। कितने कब की शादी थी उसकी? 20 अप्रैल की शादी थी उसकी, आने वाली 20 अप्रैल की शादी। देखिए हम आपको बता दें, और भी दुख की बात यह है कि उस गुड़िया की, उस लड़की की जो है आने वाले टाइम में अभी 20 तारीख को शादी थी। यहाँ के पड़ोसी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिन है। मोमिन साहब, ये उसका लड़की का चाल चलन कैसा था जिसको गोली मारी? कोई ऐसी बात नहीं देखी? कोई किसी तरह का नहीं बात देखी? लड़का आज पहली बार देखा? अच्छा, पहली बार देखा, यानी कि आपको पता नहीं था कि कब से ताक में था, कब से नहीं था? बाहर घूम रहे थे वो लड़के, क्या करता है वो लड़का, क्या करता है? तो मुझे पता नहीं क्या करता है वो। अच्छा, मैंने लड़के पहली बार देखा। लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी वारदात उसका अंजाम दिया है उसने। उसमें ऐसे में उसके सर में भी गोली लग सकती थी, लड़की खत्म हो सकती थी। अभी भी गंभीर रूप से घायल है वो जीडीबी के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप ये वारदात? मैं बाहर घूम रहा था। अच्छा, मैंने घर से देखा था बारात आने वाली है, उसमें बारात में दावत भी है। अच्छा, मैं सोच रहा था मगर बारात का क्या चक्कर है भाई। हाँ। तो मैं बाहर की तरफ देख रहा था, उधर से देखा तो यहाँ किवाड़ की एकदम धंधनी सी आवाज आई। अच्छा, और फिर मैंने इधर लगा के देखा तो गोली की आवाज है मुझे। अच्छा, तो फिर मैंने मार के गोली लेकर भगता देखा, मैंने रुक के मचा गोली मार के भगा भगा, मैं उसके पीछे भगाऊँ। अच्छा, मैं उसके पीछे भगाऊँ तक, मैंने गोली मार भगते देखा उसे। देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो पीछा नहीं हो पाया, वो बहुत तेजी से फरार हो गया। लेकिन कब तक प्रशासन की गिरफ्त से बाहर रह सकता है, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पकड़ा गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे मामले में जहाँ एक परिवार जो है शादी की तैयारियां कर रहा था, जहाँ पर एक बच्ची की शादी होने की तैयारी थी, महज कुछ ही दिन अभी उसकी शादी में बाकी रहे, वहीं पर एक सरफिरा आशिक एक बच्ची के पीछा करने वाला, जिसका परिवार को भी नहीं पता कि वो किस जो है उससे आया था उसकी शादी खराब करने या उसको जान से मारने। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमने खून की छींटे देखी, हम कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि इस गुड़िया के कपड़ों को दिखाएं कि कपड़ों पे भी इनके इसकी ये गुड़िया किसके दागे हैं। ये जिन्हें गोली लगी है उनके, मेरी दीदी का। अच्छा, तुम्हारी दीदी का खून है ये, जिनको गोली मारी गई है उन्हीं का खून है। देखिए उसके कपड़ों पे भी जो है बड़ी बहन के खून के धब्बे अभी तक मौजूद हैं उस पर, यानी जाहिर सी बात है अगर वो गोली बिल्कुल सटीक जगह लगती तो वो लड़की भी मर सकती थी। अभी क्या कंडीशन लड़की की, क्या खबर आ रही है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कहाँ पर गोली लगी है उसको?
उनके हाथ में गोली लग गई। हाथ के ऊपर गोली है, हाथ हाथ में किस किस तरफ थोड़ा सा बताओगे आप इशारे से? कंधे के आसपास लगी है गोली? कंधे पे लगी है, हमने कहा यहां गोली। अच्छा, कहां पर लगी गोली? कंधे पे लगी गोली है, कंधे पर, यानी कि सीने के बिल्कुल बराबर में गोली लगी इसके। देखिए, बहुत जो है वो गंभीर हालत बताई जा रही है। हम आप तमाम लोगों से जो है वो गुहार लगाएंगे कि उस बच्ची के लिए दुआ करें और इस खतरनाक दोषी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें, ताकि ऐसे सरफिरे लोगों को बड़ा सा बड़ा सबक सिखाया जा सके और दोबारा आसपास इलाकों में इस तरह के हालात पैदा ना। देखिए, हम आपको बता दें कि सुनने में ये भी आ रहा है कि वो लड़का जो है वो डाकिया है और वो डाक का काम करता सरकारी विभाग के अंदर है। क्या डाकिया इसीलिए घरों में जाते हैं कि ताकि घरों के अंदर ये ताक झाक कर सके कि किस घर के अंदर कौन सी बच्ची जवान है, कौन किस घर का किस तरह का मामला है? क्या प्रशासन को इस तरह की जो है लोगों पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए कि ये लोग जो है डाक के बहाने जो है घरों के अंदर जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उन्हीं लड़कियों को परेशान करने की नीयत से जो है इस घर पर जो है जान पहचान बढ़ाई गई? देखिए, किस तरह से एक प्रकरण को खेला गया कि पहले एक जो है अड़ोस पड़ोस के नाते से और डाक में एक सरकारी विभाग में होने के नाते से जो है एक परिवार से जान पहचान बढ़ाई गई और जान पहचान के बहाने एक सीधे साधे परिवार को जो है इस्तेमाल किया गया और उसके घर में जो है वो पूछा गया कि लैट्रिन बाथरूम कहाँ है। फिर ऊपर जाके यदि हो सकता है, हम अभी पक्का नहीं कह सकते, हो सकता है कि उसने लड़की पर किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग का दबाव डाला हो जिसमें लड़की ने मना कर दिया हो साफ तरीके से और उसी गुस्से में जब उसको पता चला हो कि लड़की की शादी होने वाली है उसने इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की हो। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या क्या काम करता है वो, कुछ पता है? डाक खाने में करता है, टोनी का सिटी में काम। टोनी का सिटी डाक खाने में काम करता है। क्या नाम है उसका? धीरज। धीरज नाम है। अच्छा, वो लोगों के घरों में जो है वो डाक का पहुंचाता है अगर किसी भी चिट्ठी वगैरह आती है तो यहाँ पर आता जाता रहता है वो। ठीक है। अच्छा बेटा, आप यहाँ आस पास ही रहते हो? जी। अच्छा, ये बताओ इन लोगों का कैसा चाल चलन है, ये जो पड़ोसी है तुम्हारे? सही है जी, ये सही है, अच्छे अच्छे चाल चलन के लोग हैं। इनके किसी तरह कोई शिकायत किस तरह की? नहीं, तो हम देखिए, हम आपको प्रशासन से कहना चाहेंगे कि यहाँ के पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं कि इन लड़कियों का हर प्रकार से जो है ये जो है सामाजिक लोग हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हम जो है प्रशासन से गुहार लगाएंगे। अंकल जी, अंकल जी क्या बच्चे सारे पुकारते हैं, उसकी शिकल देखी जाएगी। हमने आज देखा, पहली बार भागता देखा, मैंने रुक मजा आया। अच्छा, हमने बच्चों को ऐसी हरकतें देखी। देखिए, यहाँ पर जो है एक आपको एक चीज़ इसके साथ साथ और बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये बहुत सारे वारदातें गुड़गांव में आपने देखा कि एक होली के समय पे एक मुस्लिम परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, लेकिन असल तस्वीर हमारी भारत की यही है कि जब एक हिंदू परिवार पर इस तरह का हमला होता है तो उस बेटी के लिए एक मुस्लिम परिवार के जो है बुजुर्ग आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वो हमारी बेटी की तरह है और हमने उसको देखा है कि वो बच्चे जो है हमसे हमें व्यवहारिक रूप से हमसे मिलते रहते हैं। तो बोलते हैं बच्चे हमसे बड़े प्यार से बोलते हैं सारे बच्चे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर साथ में? करीब 7-8 साल हो जाएंगे। 7-8 साल बच्चे जब मिलते हैं, अंकल निकल करते पीछे, जी जी, दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और मैं घूम जाता, मैं उसके पीछे करा, मैंने उसका भगने के लिए गोली मार के भगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यदि आपको आगे इस तरह के अपराधियों के लिए इन बच्चों की मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप इनकी मदद के लिए होंगे? मदद के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इनके लिए पड़ोसी पड़ोसी का अंकल है, अपने रिवॉल्वर लगा के भी खड़ा था, मेरे नजदीक कोई आएगा तो। जी जी, नहीं वहाँ खड़ा होगा यार। तुम्हारा नाम? आपका? मेरा नाम कमर आलम सलमान। कमर साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये आपके बिल्कुल नज़दीकी इलाके की घटना है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? सर, अपराधियों के हौसले तो बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो इसलिए हौसले तो बुलंद जाहिर सी बातें होने ज़रूरी हैं जी। अब ये पुलिस को देखना चाहिए कि ऑन द स्पॉट घर में घुस के ऐसे गोली मारना तो बहुत गलत बात है ना ये जी। अब इसमें आप देखिए, घर में घुस के किसी को ऐसे वारदात करता है कोई आदमी प्रेम प्रसंग के मामले को लेके या क्या मामले को लेके, अभी तो क्लियर हो गया अभी। और लड़की का देखिए कि वो बचती है नहीं बचती है, वैसे उसके हाथ में गोली लगी है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन से मांग है हमारी और जो भी है इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और न्याय मिले। जी, अभी कहाँ पर है बच्ची, कहाँ पर है गुड़िया? वो जीटीबी हॉस्पिटल है। आपके कौन है वो लड़की? वो मेरी जगह लड़की की साली है। अच्छा अच्छा, हाँ, बीरपाल की। जी जी जी, तो अभी अब ये सारी वारदात होने के बाद कहाँ लेके गए उसको? अब तो ये इन्हें ये पता होगी कि जीटीबी हॉस्पिटल लगे बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ मैं तो क्या क्या बताया जा रहा है, लड़की की हालत कैसी है अभी? देखो जी, गंभीर है, गंभीर हालत बताई जा रही है। हम आप तमाम लोगों से जो है वो गुहार लगाएंगे कि उस बच्ची के लिए दुआ करें और इस खतरनाक दोषी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें, ताकि ऐसे सरफिरे लोगों को बड़ा सा बड़ा सबक सिखाया जा सके और दोबारा आसपास इलाकों में इस तरह के हालात पैदा ना हो। अब बने न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ, कैमरा पर्सन शेप के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी लोनी।
आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी।